हालांकि इस बीच ये खबर सामने आ रही है पोस्टर पर गीता के श्लोक लिखे। दरअसल लखनऊ के बाद वाराणसी में सपा का पोस्टर वॉर देखा गया। अखिलेश राहुल के कुरुक्षेत्र अवतार के पोस्टर लगे और पोस्टर पर गीता श्लोक लिखा हुआ था। संकल्प 2024, लक्ष्य 2027, यूपी की सियासत में जारी पोस्टर वॉर थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इधर उपचुनाव और सरकार पर हमलों के बीच काशी में सपा का नया पोस्टर सामने आया है और इसमें पूर्व सीएम अखिलेश यादव और सांसद राहुल गांधी का कुरुक्षेत्र अवतार दिखाया गया है। ये पोस्टर आप देख पा रहे हैं और अखिलेश यादव को कृष्ण और राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में रखा गया है। पूरा पोस्टर महाभारत के सीन पर बना है। पोस्टर में गीता के श्लोक भी लिखे हुए हैं और 2024 के साथ 2027 यूपी विधानसभा चुनाव के तरफ की इशारा किया गया है। सपा छात्र सभा के महानगर प्रवक्ता आलोक सौरभ ने पोस्टर लगवाए हैं और इनमें संकल्प 2024, लक्ष्य 2027 लिखा हुआ है। गीता के श्लोक लिखे हुए हैं और अखिलेश और राहुल को यहाँ पर महाभारत के श्री कृष्ण और अर्जुन की भूमिका में दिखाया गया है। यानी यार यहाँ पर क्या जाहिर करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, पोस्टर वॉर कोई नया मामला नहीं है। पोस्टर वॉर हमेशा से जग जाहिर रहा है। चुनावी मैदान में जब दिग्गज उतरते हैं तो इस तरह से पोस्टर्स भी सामने आते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक नया पोस्टर जारी किया गया है और सपा की ओर से। और इस पोस्टर में देखिए साफ तौर पर अखिलेश यादव कृष्ण की भूमिका में नजर आ रहे हैं और राहुल गांधी को यहाँ अर्जुन की भूमिका में दर्शाया गया है। तो खैर, यहाँ पर तो दिखा दिया गया है कि अखिलेश यादव सारथी हैं और राहुल गांधी पार्थ की भूमिका में हैं, लेकिन अब ये भी देखना होगा कि सत्ता पक्ष यानी बीजेपी की ओर से इस पोस्टर का क्या कोई मैसेज आता है या फिर इसका जवाब दिया जाता है, क्योंकि इससे पहले लखनऊ में भी पोस्टर्स लगाए गए थे समाजवादी पार्टी की ओर से और उस समय निषाद पार्टी की ओर से भी पोस्टर लगाए गए थे जवाब में, लेकिन अब ये एक नया पोस्टर रिलीज होता है जहां एक तरफ बात की जाती है मथुरा की, काशी की, लेकिन मथुरा काशी में जब काशी में इस तरह के पोस्टर लग रहे हैं उसके बाद मैसेज तो बड़ा देने की कोशिश की गई है। कुरुक्षेत्र अवतार में जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिए थे गीता के और वो श्लोक भी लिखे गए हैं इसमें, अब देखना होगा कि बीजेपी की ओर से क्या कुछ जवाब आता है इस पोस्टर के जवाब में, क्योंकि ये पोस्टर वॉर अब शुरू हो चुका है एक बार फिर से। और देखिए, ये एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। कुरुक्षेत्र अवतार यानी कि अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण बता दिया गया है कि वो भगवान श्री कृष्ण हैं और वो उपदेश दे रहे हैं गीता के, लेकिन बीजेपी अब इस पोस्टर को किस तरह से भुनाती है ये देखना होगा। लगातार बीजेपी का रुख देखा गया है कि सनातन को लेकर के रुख हमेशा मैसेज दिया जाता रहा है और चाहे वो कोई भी चुनाव हो हिंदुत्व का मुद्दा उठाया जाता रहा है, कोई भी चुनाव हो काशी मथुरा की बात की जाती रही है, लेकिन अब समाजवादी पार्टी की ओर से जब ये पोस्टर रिलीज किया गया है जिसमें अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण की भूमिका में दर्शाया जा रहा है, राहुल गांधी को अर्जुन की भूमिका में दर्शाया जा रहा है, तो अब इस मैसेज का, इस पोस्टर मैसेज का क्या जवाब आता है इसका इंतजार भी रहेगा। और साथ ही साथ ये देखना होगा कि क्या समाजवादी पार्टी इस पोस्टर का समर्थन करती है, क्योंकि अभी ये पोस्टर एक प्रवक्ता की ओर से यहाँ पर लगाया गया है। मदन मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। मदन, देखिए, संकल्प 2024 और लक्ष्य 2027 यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब यहाँ पर गीता के उपदेश देते हुए अखिलेश यादव और उनके उपदेश सुनते हुए राहुल गांधी, इससे क्या समझा जाए, क्या मैसेज दिया जा रहा है? अब बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए तो यूपी में सियासत जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कहा जाए तो लखनऊ से लेकर के वाराणसी तक जो है पोस्टर बाद जो है शुरू हो गए हैं। तो ऐसे में जो है अब जो है कहा जाए तो वाराणसी में समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने एक पोस्टर वाराणसी में लगाया है जिसमें कहा जाए तो अखिलेश यादव को जो है भगवान श्री कृष्ण और राहुल गांधी को जो है अर्जुन के तौर पर जो है इसमें दिखाया गया है। साथ ही साथ कहा जाए तो गीता के श्लोक भी जो है उसमें
लिखे गए हैं। तो इसमें बात करें तो जो अधिवक्ता आलोक सौरभ थे, उन्होंने बताया कि ये जो है प्रतीकात्मक जो है कहा जाए तो दिखाया गया है, ये इसमें भगवान का वो नहीं है, इससे किसी को जो है आहत नहीं किया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से उसमें उन्होंने लिखा है कि दो संकल्प जो है कहा जाए तो 2000 पोस्टर से तो यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है। हालांकि आप कह रहे हैं कि अधिवक्ता आलोक गुप्तम जो कि इस पोस्टर में खुद भी उनकी तस्वीर दिखाई दे रही है, प्रतीकात्मक तौर पर दिखाया जा रहा है, लेकिन यहाँ प्रतीकात्मक तौर पर भी खुद को भगवान के रूप में दर्शाना, इससे क्या समझा जाए? और क्या समाजवादी पार्टी इसका समर्थन कर रही है इस पोस्टर का? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी के तरफ से कुछ इस तरह का भी नहीं कुछ ऐसा बयान आया है, लेकिन जो ये प्रवक्ता है कुछ समाजवादी पार्टी से के जो है ये है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से इन्होंने जिस तरह से जो दर्शाया है वो साफ ये मैसेज है, उन्होंने ये दिखाया है और कहीं पे ये नहीं कि राहुल गांधी और ये, क्योंकि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण सारथी के तौर पर जब थे और अर्जुन जो थे महाभारत में, उसमें जो है राहुल गांधी को अर्जुन के तौर पर दिखाया गया, तो साफ ये जाहिर है। और जिस तरह से पोस्टर बार जो है अब चरम सीमा पर ये कहा जाए तो पहुंच चुका है लगातार, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने हैं और उस चुनाव से पहले अगर देखा जाए तो ये पोस्टर बार शुरू है। साथ ही साथ जो है एक लक्ष्य भी रखा गया है 2027 का, तो याद ही आप देख समझा जा सकता है कि जो आने वाला जो समय है 2027 के चुनाव से पहले जो है ये राजनीतिक जो है काफी एक नया मोड़ लेते हुए नजर आएगी। और जिस तरह से महाभारत का जो इसमें एक तरह से जिक्र किया, यानी कि इस रन में जो है एक चुनावी रन में जो है एक महाभारत का वो दिखेगा। चुनाव से ठीक पहले मदन, चुनाव से ठीक पहले इस तरह का पोस्टर लगाया गया जब यूपी में विधानसभा उपचुनाव होने हैं, लेकिन जनता के बीच अब ये मैसेज देने की कोशिश की, जनता इस मैसेज को कैसे देख रही है? अब बिल्कुल जिस तरह से कहा जाए कि जो मैसेज जो देने की कोशिश की है, तो साफ तौर पर यह है कि लोगों का ये भी कहना है, जो हमने वहाँ पर कुछ लोगों से बातचीत किया है तो उन्होंने कहा कि तो भगवान के साथ जो है ये लगाया गया, कहीं ना कहीं साथ एक तरह से उसके खिलवाड़ मतलब किया जा रहा है, कुछ लोगों में नाराजगी भी है। तो वही जो उनके समर्थक जो थे उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ वो नहीं है, हमने एक योद्धा के तौर पे इसमें दिखाया है और जो हमारा ये चुनाव जो है 2024 का जो उपचुनाव है जिसमें हम 9 सीटों पर जो करें वो हम पूरे से वो सीटें जीत करके आएंगे और 2027 हमारा लक्ष्य है, तो हम ये हमारे वो दर्शाने की पूरी कोशिश की है। तो इस तरह से कहा जाए कि अब जो है चुनाव नजदीक है, उपचुनाव जो नजदीक है, और इसमें ये देखने वाली बात हो कि अब जो है अगला जो पोस्टर किस तरह का जारी होता है, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले जो है ये पोस्टर बाद जो है लखनऊ से वाराणसी के साथ साथ जो है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मदन मोहन तमाम जानकारी के लिए।